जवाब दे दिया कहीं नहीं जाना चाहते कहीं नहीं जाना चाहते कहीं नहीं जाना चाहते कहीं नहीं जाना चाहते यहाँ बोलाए हम यहाँ आए लड़की के लोग सरपंच से पंचायत बोल बैठाए समझौता हो जाएगा नहीं ऐसे अपन देखा नहीं कर सकते हैं समझ गए ना आपका बेटा है आपकी बहू है अपना बेटा बहू को तो आपको बसाना है आप ऐसे हाथ नहीं फेर सकते हैं कहीं कि हमारा कोई भी काम नहीं है समझ गए ना हर वक्त क्या बेटा आप जन्म दिए हैं बेटा का शादी आप किए हैं तो उसका गृहस्थी भी बसाना पगड़ी उछाल दिया अब क्या रह गया मेरे लिए कहाँ भी पगड़ी उछाल गया है पगड़ी इतना उछलेगा ना कि आपको पता नहीं है कि फिर कितना पगड़ी उछलने लगेगा अभी तो बातचीत हो रही है इसीलिए बोल रहे हैं कि पगड़ी की बातें मत करिए अगर बैठ के आपके दरवाजे से कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ बात कर रहा है पगड़ी के कहाँ बात आई पगड़ी उछाल आपके नहीं नहीं क्या उछला मैं आपसे आके बैठ के बात कर रही हूँ आपकी बात नहीं कर रहे ये इनकी बात कर रहे हैं पगड़ी उछाल दिया मेरी नहीं क्या कहाँ उछाल दिया उछाल दिया वहाँ से अपने माँ वहाँ यहाँ से जब हम लड़के को भेज दिए एक महीने के अंदर इसके माँ और भाई जाकर के ले आया उसके बाद फिर आते ही आपका बेटा इसको ऐसा कान में मारा कि पूरा इसका कान कारण कुछ होगा ना अच्छा कारण का कुछ मार देगा तो जान मार दीजिएगा जितना भी कारण हो लेकिन हाथ चलाना चाहिए नहीं कोई कारण होगा खून कर दीजिएगा पूछो ना ये लगा ऐसा लड़के की बात हमें सुनाई दिया कर ना हम दोनों में तुतुमे में हुआ सुबह सुबह हम फिर गुटी चल जा रहे थे गुटी हम फिर मेरा मूड नहीं किया मैं वापस आ गया जब देखा कि गले में फांसी लगा रही थी तो मारा चपेट कर करके पूछिए इससे अगर झूठ है तो बता देना नहीं बता रही है हमारे ऊपर ब्लेम डाली जा रही है जो हमें बताया हम वही बता रहे हैं हम कोई इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर रहे हैं हाँ गंदा वर्ड ये शब्द कोई लगातार बोल रहे ऐसे बोल आपका तो बेटा भी गाली गलौज तो अच्छा लगता है कि वो अपने समधी को ऐसा बात बोले अपने ससुर को ऐसा बात बोले आपको अच्छा लगा जवाब दीजिए खाना तो इनको बेटा ने पूछा हमको दूसरा परिवार वहाँ है सुन रहे हैं मैं आपसे बोले तब लड़की आपका बेटा ऐसा अगर गंदा वर्ड बोला पता रहा इनकी माँ बुआ दिया तो हमें अच्छा लगा जो इतना गाली दिया सब चीज दिया बाद में नहीं बीच वाला बात कर माता दाखिल होते हैं पुनीत कहाँ घर पे दफ्तर में चले गए हाँ ये जो है सुजाता यहाँ पे पुलिस वाले पुलिस को लेकर के आया हुआ है हाँ पुलिस नहीं आया हुआ है बोलिए कोई फाउंडेशन से आए हुए महिला फाउंडेशन ने हमें तो पुलिस गाड़ी आई हमको हमारे साथ आई एक सेकंड बोलने दीजिए ना हाँ बोलिए बोलिए तो कार्य ये कह रही है कि वहाँ पे जो है इसने थप्पड़ किस भेस पे मारा था फांसी लगा रही थी क्या कर रही थी आप हमको फोन दे दीजिए मैं बात कर लेती हूँ छत पर उसका उसका नंबर है मैडम की जहाँ हमने लिया जमानत लिया माला 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 हाँ हाँ तो माला का नंबर हमें देना जरा माला जी से हम बात करा देते हैं इनको आप हमको फोन दीजिए हम बात करते हैं आपके बेटा से बात करवाइए अपने बेटा से करवाते हैं अभी दे रहा नंबर दे रहा उधर से महिला 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 से ही बात करवा देते हैं महिला जो है खाने खाने वाली अभी भी बकर बकर करती है हमने आपको सवार है देख लो गलत नहीं बोल रही है बातें सही सिखा रही है कम बोलोगी तो बस जाओ रन रन करती है काम ज्यादा करो और जुबान कम चलाओ इससे क्या होता है कि सास ससुर के दिल में बैठ जाओ और अगर इतना बकबक करोगे और काम कम करोगे तो कहीं भी नहीं दीजिएगा देखिए आपकी बेटी है अगर आपकी भी बहुत टपर टपर बोलेगी ना तो आपके दिल में नहीं बैठ पाएगी समझ गए ना
हर बड़ा आदमी चाहता है कि छोटा थोड़ा इज्जत करे, इज्जत करने से ही दिल का प्रेम चलता। क्या दिक्कत है, देख रहे हैं ना, इतना साक्ष्य है ना, इतना लोग देख रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है। किसको इज्जत करना? देखिए बेटा है नटखट, बेटा बदमाश है, बेटा थोड़ा सा गुस्सैल है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तो आपस में ही निपटना चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, हम लोगों से हम लोग देखिए, आज मेरा बात सुनिए, अब समय बदल गया, मार एक अपराध, आप मार नहीं सकते। हेलो, मुंह से जितना बहस करना है सब माफ। अरे मेरा केस नंबर क्या था? मैं प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा बड़की हथिया सर, मेरे को याद नहीं पड़ा है, कोई पटना से आई है, कह रहा है कि आपका जो है कोई केस नहीं है। मैंने बोला केस किया गया है, आपका केस नहीं है, केस नहीं है। हाँ वो कह रहा है कोई केस नहीं है, ये महिला जो है पटना से आई है। लीजिए ना, हमको लीजिए, लीजिए आप बात कीजिए ना, कीजिए बात। आप नोटिस लिए थे? हाँ तो लड़के के पास होगा, मेरे पास नहीं है। नोटिस दिल्ली चली गई थी। अच्छा मैम, हेलो, मैं नारायणी शक्ति एनजीओ ट्रस्ट से आई हूँ। हाँ मेरा ये कहना है कि मैंने इनसे यही बोला कि यदि आपके ऊपर केस हुआ है तो आपके पास तो होगा ना, मान लेते हैं कि आप सबसे पहले नोटिस भेजते हैं, तो नोटिस में तो रहेगा ना केस नंबर भी रहेगा, इनके पास नोटिस भी होना चाहिए। हाँ तो इसीलिए मैं इनसे मांग रही थी कि आप मुझे वो कागज दिखाइए। लड़की का कहना है इनकी बहू का मामला है, बहू को बेटा ने मारपीट किया है, उसके बाद बहू नाराज है। तो बहू का कहना है कि मैंने बातचीत करने के लिए, आपसी सुलह के लिए मैंने महिला थाना में आवेदन दिया था, अभी तक मैं केस नहीं की हूँ। लेकिन अच्छा ये एफआईआर दर्ज हो गया था? अच्छा अच्छा, आप तो देखिए हम बदल करके मुंगेर में हम आ गए हैं। अच्छा अच्छा, तो केस के लिए एफआईआर दर्ज, उसके बाद 41 के बाद हम लोग नोटिस लेकर के जांच डिस्कस करनी है कि हाँ हाँ चार्जशीट चला गया कोर्ट में। लड़का के तरफ से अभी तक कोई केस नहीं हुआ है, लड़की ने आवेदन डाल दिया है, लेकिन लड़की अब हमें हाँ लड़की आवेदन नहीं दी, एफआईआर दर्ज की है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एफआईआर हो गया तब ना चार्जशीट गया, तुमने एफआईआर किया था ना जी, बिना तुम्हारे आदेश का एफआईआर नहीं हो सकता। नोटिस होने के बाद नहीं हुआ तो मैम लोग बोले शायद बोले हैं, बोले मैम इनसे बोले मैम, अगर वो लोग आएंगे ना तो सामने होने के बाद मैडम मुकाबलापन में दोनों तरफ से गलती हुआ है मैम, समझ गए ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर दोनों आपस में मिल गए तो फिर सारा केस अपने आप ही खत्म हो जाता है। हाँ हाँ वो तो यार आराम से लड़की जाके अपना एक आवेदन दे भी सब हो जाएगा। बिल्कुल अभी तक ये लोग कोर्ट में गए नहीं है, नहीं ना गए हैं, अभी मैटर गया नहीं होगा, जाएगा तब ना, नोटिस तो आएगा तब। अच्छा अच्छा, देखिए जो चार्जशीट करता है ना मैम, यदि वो अपने तरफ से पहल नहीं करता है, ना कोई वकील को रखता है, ना बार बार अपना प्रोसेस में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पेंडिंग में ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाता है, क्योंकि जब तक ये लोग अपना अपना वकील नहीं करेंगे तो कोर्ट में मतलब कि कौन जाएगा, कौन इन लोग के बातों को जज साहब के सामने रखेगा, है कि नहीं। तो आपका काम था चार्जशीट कोर्ट में भेज देना, लेकिन उस केस को लड़ना तो इन्हीं दोनों का काम है ना। ठीक ठीक है मैम, मुझे जानकारी आपसे मिल गई। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। हाँ सर, हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा बात सुनो, बहुत उतावलापन में गलती की, ठीक है ना। देखो ए, मेरे पहले बात सुनो, रहना है तो फिर सिर्फ संघर्ष करना है, और नहीं रहना है तब कोर्ट जाना है, कानून जाना है, और ये सारा प्रोसेस में जाना है। मान लेते तुम एक तरफ केस करोगी, एक तरफ बोलोगी कि मैं रहूंगी, तो केस करने के बाद रहने वाला जो मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, ठीक है ना।
तुमको अपना जाके जाना कोर्ट में, एक बार फिर ये करना तुम्हारा है ना केस नंबर ये सब है ना, जाके वापस ले लेना ठीक है ना, कोर्ट में जाएगा वापस हो जाएगा। क्योंकि एक चीज तो हम एक नहीं, एक चीज तो तुम्हारे इस परिवार में हम अच्छा देखे कि तुम्हारा केस करने पर भी इन्होंने कोई केस नहीं किया है, यानी कि इनके अंदर में ये समझदारी है कि लड़की उतावली है, उतावला पर में दौड़ रही है लेकिन लास्ट में फिर आएगी। मैं नोटिस लेके, ये लोग भी दिल्ली से करवाए थे नोटिस लेके, मैं जवाब नहीं दी क्योंकि मैं एफआईआर कर देती हूँ उस टाइम आपके तरफ से भी हुआ है। उसको बुलाया गया है और नोट बनाया और उसको बुलाया कि आप आइए, जब हम बुलाए तो मैम ये लोग नहीं आया, मैं जो भी ठीक है आपने एक महीने के लिए गए, दो महीने के लिए गए कोई बात नहीं, लड़का ने लड़का लड़का किया, लड़का ने बुलाया इसको गया ही नहीं, भाई अपने अपने भाई भाई को लेके आइए, किसी को लेके आइए, हाँ वो होता है जब झगड़ा होता है ना तो चार आरोप तुम लगाओगे तो चार ये भी लगाएंगे, लड़ेंगे किससे बचकर, हर कोई अपना बचाव करता है, ये बात हम नहीं मानते हैं। वो तो जब आप भाई जाइएगा वकील के पास तो वो चार वो आपको आइडिया देगा, क्योंकि जब तक कि कोई मुद्दा नहीं क्रिएट होगा तब तक केस बनेगा किस धारा तो क्रिएट करना पड़ेगा ना पहले कौन से इसको बोला।